लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के सार्वजनिक श्मशानों में जहां अंतिम संस्कार के लिए मृतकों की कतार लगी है, वहीं महानगर पालिका है कि 3 सालों से बनकर तैयार एक श्मशान को खोलने की बजाय ताला लगाकर रखे हुए है। मनसे नेता बालासाहेब शिंदे ने मनपायुक्त को निवेदन देकर कोपरी गांव उड़ान पुल के नीचे मौजूद इस श्मशान को तत्काल खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज कोरोना काल में जान गंवाने वालों के परिजन अपनों की अंत्येष्टि के लिए घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। ऐसे में यदि श्मशान खोला जाता है तो इससे नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। तस्वीर में दिख रहा यही वो कोपरी गांव उड़ान पुल के नीचे का श्मशान है जिसे नवी मुंबई महानगर पालिका ने 3 साल पहले इसलिए बनाया ताकि स्थानीय नागरिकों को अपने परिजनों की अंत्येष्टि के लिए कहीं और न जाना पड़े। लेकिन आज कोरोना काल होने के बावजूद यह श्मशान भूमि बंद है, गेट पर ताला लटका है और स्थानीय लोग दूर श्मशानों में अंत्येष्टि के लिए जाने को मजबूर हैं। मनसे नेता बालासाहेब शिंदे ने नागरिकों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मनपा आयुक्त से कोपरी गांव के इस श्मशान को खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना काल है इसकी ज़रूरत है और जब कोरोना संक्रमण खत्म हो जाए तब इसे सैनिटाइज कर सामान्य लोगों के अंतिम संस्कार के लिए रिजर्व कर दिया जाना चाहिए। ऐसा है कि आज कमिश्नर साहब के पास हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण संघर्ष के माध्यम से आए थे और कोपरी में जो एक स्मशान भूमि है जो 3 साल से बंद अवस्था में है और वहाँ पे आज के डेट में कोविड के जो मृत संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसीलिए कोविड में जो मृत होते हैं उनके लिए वेटिंग है। लेकिन अभी जब आदमी जिंदा है उस समय उसको तकलीफ तो है ही है, जो आरोग्य सेवा है उसमें जो कमी है उसकी वजह से, लेकिन मरने के बाद में जो वेटिंग होता है जो तकलीफ है उसके लिए हमने आयुक्त साहब को बोला है। मनसे नेता बालासाहेब शिंदे की माने तो नवी के तुरभे वासी खेरने और सानपाड़ा के कोरोना मृतकों के लिए तुरभे का अकेला सार्वजनिक श्मशान आरक्षित है जहां हर दिन 5 से 7 घंटों की वेटिंग करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि कोरोना की त्रासदी से पीड़ित लोगों को अंत्येष्टि के लिए इतना इंतजार कराना उनकी मुसीबत को और बढ़ाना है, इसलिए इंसानियत के नाते कोपरी गांव का यह श्मशान खोलने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यह काम जल्द होना चाहिए ताकि नागरिकों को अपने परिजनों की अंत्येष्टि के लिए राहत मिल सके। कोविड काल में आप जो कोपरी की जो स्मशान भूमि है उसको शुरू करवा दीजिए और शुरू करवा के वहाँ पे जब तक कोविड काल शुरू है तब तक उस स्मशान भूमि में उन कोविड के लोगों को ही अंत्यविधि किया जाए और उसके बाद में वो जो स्मशान भूमि है उसका निर्जंतुकीकरण करके वो स्थानिक नागरिकों को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।